ओए मोमबत्ती को मेरा सॉरी ब्लैक मैजिक कर रही है। तो सुन एक बार देखियो गई वो चल 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 उसके रूम में देख के आते हैं। ये क्या है यार विवेक, ये देख इसमें हड्डी अलबादी और आप देख रहे हैं अलबादी व्लॉग। तो गाइस अभी 6 बजे हुए, आज मम्मी ने इतनी जल्दी उठा दिया मेरे को क्योंकि भाई आज रक्षाबंधन है और मम्मी को भी मामा के जाना था। और भी आप सभी लोगों को भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मैं अभी निकलता हूँ मम्मी को छोड़ाता हूँ। तो गाइस अभी गाड़ी बाहर निकाल रहा था, ये देखो डेविल दादी डंडा ले खड़ी हुई और ना डेविल बाहर भाग देगा। 7 बजने वाले और मम्मी को बस स्टैंड छोड़ने जा रहा हूँ, मम्मी मामा के जा रही है। पे बस तो खड़ी नहीं, फिर पैदल जाओगी? चुप, बिल्कुल चुप। ठीक है भाई मम्मी। गाइस ये देखो सुबह सुबह कितने लोग अपने घर पे जा रहे हैं क्योंकि भाई आज रक्षाबंधन है ना, इसलिए सारे लोग अपने घर पे जा रहे हैं राखी बांधने। सो गाइस मम्मी का तो उतार दिया था, अभी मैं भी घर साइड जा रहा हूँ। तू क्या करता है यहाँ पे? चौकीदार, अपनी चौकीदारी कर ले बाहर जा। कोई भी कुत्ता आता जाता ना उसके ऊपर भोंकता रहता है, गली में पूरी बदमाशी दिखाता है। तो गाइस अभी इसने मेरे साथ एक सीन करा दिया, इसको बाहर घुमाने ले गया था, मेरा फोन ही गिरा दिया इसने। शुक्र है कि टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ था, टेम्पर्ड ही टूटा। तो गाइस जैसे मैंने इसकी डाइट चेंज किया ना भाई, सब अलग ही लेवल एनर्जी रहती है इसमें। सो गाइस ये देखो सुबह सुबह ठेके पे कलेश हो रखा, पीसीआर आ रखी है। सो गाइस आ चुका है ये, ठेके पे लड़ाई की मचा रखी थी तूने, पवा नहीं दे रहे थे। अबे साले यही था वो शख्स जो वहाँ पे ठेके पे कलेश मचा रखा था। सो गाइस अभी एक बार विवेक के पास जा रहे हैं, लास्ट टाइम जो कुछ भी सीन हुआ हमारी गाड़ी वाड़ी लेके भाग गया था, अभी उसके पास जाके पूछते हैं क्या क्या सीन हुआ। वो तो लग गई कॉल मोहित की, नहीं तो ये देख क्या हाल होता हमारा, वहाँ से पैदल कैसे आते और भी रास्ते में इतना सुनसान रास्ता, अंधेरा वैसे हो गया था। गाइस अभी उसके घर पे आए थे, वो घर पे भी नहीं मिला और ना भी फोन उठा रहा। सो गाइस वो घर पे तो मिला नहीं, हमने सोचा कि फ्लैट साइड आ रखा हुआ, ऊपर ही जाके उसकी गिट्टी दबोच लेते भाई। मिला ही नहीं तो दबोच ही लेते, फ्लैट पे भी नहीं मिला भाई। तो गाइस अभी हम भी घर साइड निकल रहे, उसका खुद कॉल आएगा जब जाएंगे घर पे, जाके नहा धो लेते खा पी लेते कुछ। तो गाइस जैसे भी देख के याद आए कि यार वो बड़ी डलाई चैलेंज भी दोबारा से करना था, गोलू के साथ करने तो वाला था, क्या रहा उसका? अभी बीच में पंगा आ गया, इस चक्कर में यार वो बड़ी डलाई चैलेंज भी बाद में करना पड़ेगा। तुम्हें भी तो पंगे लेने की आदत है भाई। सो गाइस घर साइड जा रहे थे और भी रास्ते में बालाजी शेक वाला आ गया भाई। ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ से निकले और शेक ना पिए। तो आप लोगों को तो पता है कि बालाजी शेक वाले का शेक इतना ज्यादा फेमस है भाई, दूर दूर से लोग पीने आते हैं। तो गाइस शेक तो पी लिया, घर साइड निकलते हैं। तो गाइस खाना पीना खाकर नहा धोकर तो मैं रेडी हो चुका हूँ, अभी मोहित और विनीत के पास भी कॉल कर दिया, अभी जल्दी से निकलता हूँ। मोहित और विनीत को भी बिठा लिया, अभी रुक के बात करने का टाइम नहीं है, जल्दी चल भाई घर पे। फोन भी नहीं उठा रहा, उसकी मम्मी से बात हुई थी तो अभी घर पे जा रहे हैं, जल्दी से उसे उठाते फिर। तो गाइस अभी विवेक को तो बिठा लिया, अब ये सारा सीन बता तू, उस दिन क्या सीन हुआ तेरे साथ? वो मेरे पीछे पीछे भाग रही थी ना, मैं जैसे उस पहाड़ी से कूदा ना, वो कूदते भाई मेरा पैर ऐसे मुड़ गया, मुड़ते भाई मेरा सर लगा भाई, और भाई मैं उसके बाद बेहोश हो गया, उसके बाद मेरे को कुछ ध्यान नहीं है। पीछे पीछे थी वो भाई? पीछे थी यार उसके बाद, बस मेरे को ये पता है कि जब मेरी आंख खुली तो वो मेरे को खींच रही थी, मैंने देखा कि मेरी ना पॉकेट के अंदर ये गाड़ी की चाबी तो तेरे पास ही थी भाई। तो भाई भाई मैंने देखा कि चाबी है भाई, मैं गाड़ी लेकर के भाई मैं आ गया, मेरे को बिल्कुल भी ये चीज याद नहीं थी कि तुम लोग भी साथ हो। बिल्कुल ही, अगर मैं फोन नहीं उठाता तो कैसे जाते घर पे यार? मैं यार बेहोश हो गया था यार उसके बाद, मेरे को नहीं है भाई ध्यान की भाई ये लोग भी थे साथ में। तो गाइस अभी सारे इकट्ठे तो हो चुके हैं, अभी जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस दिन में भी देखो कितना सुनसान लग रहा है भाई, रात में तो अलग ही माहौल हो जाता है यहाँ का। एक भी बंदा या कोई गाड़ी नहीं दिख रही तब से चल रही इस रोड पर। सो गाइस ये देखो कितनी सारी ईंटें लगी हुई है भाई यहाँ पे, गाइस वो वाली पहाड़ी थी वो साइड का तो सारा कवर कर लिया था, इसके अंदर क्या सीन है? रास्ता भाई ढूंढना पड़ेगा यार, वो वाला ही बंद था ये वाला। हाँ क्या हो गया, क्या अंदर है क्या? ओए ये क्या भाई, ये खाचे बने हुए अंदर, अंदर जाने का रास्ता देखियो इनमें से, बंद है भाई साहब ये तो बंद पड़े यार। अरे इससे पता लगता है भट्ठा कितने सालों से बंद होगा यार। अभी उसने यहाँ पे अपना अड्डा जमा रखा, ये क्या है, ये चीज क्या है? यहाँ पे भी देखते क्या सीन है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है भाई, मेरे को तो लगा कि इसके अंदर जाने का रास्ता होगा, सारा बंद कर रखा है। तो ये सारी सारी बंद है तो फिर वो कहाँ रहती है यार? भाई चारों तरफ चेक करना पड़ेगा, पहाड़ी साइड तो चेक कर लिया, ये साइड भी चेक कर लिया, अब उस साइड चेक कर के आते हैं। जो तूने वो ड्रोन के अंदर से वो खंडर थे वो किस तरफ थे? वो एक बार ड्रोन उड़ा के दोबारा से देखे, जब भी ड्रोन उड़ा के देखे वो लोकेशन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, पर वो भी खंडर बने हुए थे, क्या पता वहाँ पे कुछ हो। तो गाइस हमने फाइनली ड्रोन उड़ा के देखा, हर डायरेक्शन में देखा भाई, पर भाई कुछ भी नहीं दिख रहा था, हर तरफ खेत ही खेत थे, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। सो गाइस फाइनली इतना ढूंढने के बाद वो खंडर मिली गए जिन्हें हम ढूंढ रहे थे, यही खंडर है भाई। ओए भाई यार उस साइड से
ये कर कर इसके अंदर भाई साहब ये कर ये क्या हो रहा है भाई ओए धुआं उठ रहा है उसमें जल्दी क्या कर रही है देख ना देखेंगे इसको क्यों मैं पता नहीं क्या पता ओए मोमबत्ती को मेरा सॉरी ब्लैक मैजिक कर रही है तो भाई साहब ये ब्लैक मैजिक कर रही है ओए डोल मैं पास जाता हूं पास जाता हूं मैं चुप चुप निकल यहाँ से निकल यहाँ से जल्दी निकल भैया अजीब अजीब चीजें कर रही है भाई साहब भाई ये कैसी है भाई इसको भाई उसके पास जाते अजीब अजीब से मंत्र बोल रही थी मैं तो सुन के ही डर गया नहीं नहीं अगर देखती तो भाई साइड आती भाग के वो नाच कैसे रही थी वो अपनी पावर बढ़ा रही उस डोल पे कर दिया उसने जादू भाई एक और सुन सुन एक बार देखियो गई वो चल 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 उसके रूम में देख के आते हैं मोमबत्ती भाई साहब यार की हड्डी उसकी क्या कर रही थी वो यहाँ पे यार ये खून अभी फेंक डाल दे इसको नीचे ये क्या कर रखा है ये क्या चीजें देखी हो सब पे लगा रखा भाई ये भाई ना उस पे भी है वो क्या रखा हुआ है भाई साहब यार इसने कुछ ज्यादा खतरनाक कर दिया कुछ ब्लैक मैजिक यहाँ पे मधुर को अब भाई ये कोटूल यार भाई साहब नहीं बना के इस पे तो नहीं कर दिया ब्लैक मैजिक यार वो यहाँ पे ब्लैक मैजिक ही कर रही थी एक काम इसको भी ले चल इस डोल को भी ले चल यार निकलो भाई यहाँ से यार वो इस डोल को डाल दो लेके चल इस डोल को भी लेके चल जल्दी गाड़ी में बैठो भाई पीछे तो नहीं आ रही यार पीछे देखो जल्दी एक बार पीछे नहीं आ रही भाई यार कहीं यार तुम इसके लिए डोल के ले आए यार वापस भाई एक उठा के लाया था दोबारा लिया तुम अरे भाई एक काम करेंगे इसको कोई अच्छे से तांत्रिक वगैरह को दिखा लेंगे भाई इस चीज का सोल्यूशन भी तो करना है ना इन दोनों डोल से हमारे पास किसी के हो गया तो ब्लैक मैजिक डोल के पीछे अगर वो हमारे पीछे बिछा गई तो अब फिर क्या करेंगे हम ये बताना वो चीज भी देखी जाएगी यार ये वाली थी वो पड़ी यहाँ से गिरा यार इसका तो रास्ता ही ड्रोन लेके आया तब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा यार वो एकदम से कहाँ से आ गई थी यार वो शायद नीचे से गई होगी यहाँ से रास्ता भी तो था इसकी डोल उठा ले क्या पता उसके डोल के पीछे पीछे हमारे साथ आ जाए यार जल्दी ले ले इसको यहाँ से दोनों डोल तो हमारे पास इकट्ठी हो चुकी है किसी बढ़िया से तांत्रिक यार इनके चक्कर में यार वाली भी हो सकता है ये देख पुराने वाली और ये वाली नई बना दी उसने अरे कितनी देर से इस डोल को देखे जा रहा तब से ओए विवेक अरे इसको क्या देख रहा तू चलो यार जल्दी जल्दी चल जल्दी क्या सुन हो रहा तू इसको देख के भाई इसको क्या देख रहा था तू इसलिए गए थे उसका प्रॉपर अड्डा दिखाने था आज भाई पता ही चल गया कि वो उसी खंडर में रहती है ब्लैक मैजिक करती है उसी रूम में रहती है लास्ट टाइम तो हमें पार्टी पे मिली थी उस टाइम तो हमें कंफर्म भी नहीं हुआ था कि वो कहाँ रहती है कहाँ नहीं आज तो उसका प्रॉपर अड्डा भी देख लिया हमने भाई अगर ना ये वीडियो तू बंद करके मेरे को मेरे घर उतार दे यार मेरे सिर में दर्द हो रहा है भाई अभी घर ही साइड जा रहे हैं यार यार तू सबसे पहले तो मेरे को उतार दे क्या हुआ सर में दर्द क्यों हो रहा है पता नहीं यार वैसे खराब लग रही है एकदम से इसे क्या हो गया अब क्या हुआ अभी सुन बैठा हुआ था अभी तबीयत खराब हो गई अरे धूप से हुआ क्या हुआ पता नहीं अरे कोई नहीं इसको घर छोड़ भाई तो गाइस अभी तो घर साइड निकल ले एक बार इसकी तबीयत खराब हो रखी एक बार इसको घर उतार देते हैं अभी घर जा रहे थे अपने सब्सक्राइबर मिले अच्छा अच्छा सारे फैन आपके उसमें से एक भाई बहुत बड़ा फैन प्रिंस है मेरी क्लास में हमेशा मिल जाता है सबने सब्सक्राइब कर रखा ना फिर हां भाई सबने सब्सक्राइब सो गाइस वहां से निकल के विवेक को तो उतार दिया था भाई अचानक जाते ही घर पे लेट गया वो तो कार में भी नोटिस कर रहा था ये चीज साइड में बैठा उसको वो डोल लेके हाथ में उसको देख रहा भाई बोल रहे उसका रिस्पांस भी तो नहीं कर रहा था भाई एकदम सुनसा बैठ गया मैं इसको क्या होगा फिर मैंने ऐसे इग्नोर कर दिया मेरे को तो लग रहा उसके हाथ से जो बर्तन निकल रहा जिसमें खून था अच्छा वो वाला उसके बाद से उसकी तबीयत खराब हुई है भाई वही वहाँ पे सामान वगैरह गिरा रहा था ना वो खून जब हमसे जब वहाँ से भाग रहे थे ना तब भी पता नहीं वो कहाँ खोया हो तो मैं पकड़ के लाया उसको भाई वो थोड़ा सा डर सा भी गया था उस चीज से ऐसा लग रहा था भाई उसके तो कुछ दिक्कत होगी तभी तो एकदम से बोला कि मेरे को घर पे छोड़ दो और भाई हमारा प्लान था कि वहाँ से आराम से बस अड्डा देख के आ जाएंगे और वापस इस चीज का सोल्यूशन निकालेंगे कि नेक्स्ट टाइम अगर वहाँ पे जाएंगे तो पूरी तैयारी करके जाएंगे भाई हमारा डोल वगैरह लाने का भी यही रीजन था कि उस चीज का सोल्यूशन निकालना डोल नहीं इनको किसी बढ़िया तांत्रिक के दिखाएंगे कि वो क्या चीज कर रही थी एमपी सब्सक्राइबर का आया तो था इनबॉक्स में मैसेज उससे बात करके देखता हूँ वो बता रहा था कि एमपी में कोई जगह वहाँ पे जाना पड़ेगा अभी काफी बंदे ही बोल रहे थे जैसे मेरे साथ वो नेगेटिव एनर्जी वाली दिक्कत हो गई थी ना बोल रहे थे कि वहाँ पे चले जाओ वहाँ पे चले जाओ वो चीज ठीक हो गई थी उस चीज की जरूरत नहीं पड़ी थी
गाइस मोहित और विनीत को भी घर उतार दिया था, अभी मैं भी घर साइड जा रहा हूँ। गाइस अभी घर पे आया था तो बहन आई हुई थी, अभी वो भी रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। एक तो ये कौन सा टाइम होता है 10 बजे आने का। तो गाइस बहन ने तो बांध दी थी, अभी भाई बांध दिया। गाइस बाहर जा रही है अभी, माँ पैसे बांट रही है, माँ मेरे को भी दे दो। नहीं 20-20 मिले हैं गाइस, इतने में क्या बनेगा। राखी वगैरह तो बांध ली थी और डेविल को देखो भाई गुस्सा होकर घूम रहा है, मैं डेविल को राखी नहीं बांधी। सो गाइस अभी मैं भी अंदर जाके खाना पीना खा लेता हूँ। अभी आज की बात करें तो हम जो वो दोनों डोल उठा के लाए थे उनका जल्दी से कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अभी जैसे विवेक की तबियत खराब हो रखी, अभी कोई रीजन पता नहीं चला ऐसे अचानक कैसे होगी, तो इससे पहले कुछ ज्यादा दिक्कत हो इस सब चीज का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। इस वीडियो को एंड कर देते हैं, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।